अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर हसन और आज मैं आपके लिए जो है वो BMW की रेप्लिका लेके आऊं S1000 RR। और नाज़रीन इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बड़े कमाल के हैं, जब आपको पता चलेगा तो आप इसको फ़ौरन लेने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे। और एक फ़ीचर तो इसके अंदर जो उन्होंने दिया है वो इसके मीटर के अंदर दिया है, और एक फ़ीचर जो है वो हम आपसे अभी छुपा के रखेंगे, वो आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे। और वो बड़ा एक ख़ास किस्म का फ़ीचर है जो आपको किसी बाइक में नहीं मिलेगा, और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, कहीं जाना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना। हम आपको इसकी कीमत के बारे में बताएंगे और उस ख़ास किस्म के फ़ीचर के बारे में बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, आप इस बाइक को लेने वाले बन जाएंगे। और एक और बात, ये बाइक आपको किस्तों पर मिल सकती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसी मज़ेदार किस्म की वीडियोस मिलती रहें। तो अब नाज़रीन हम वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं इसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स के बारे में और उन दो फीचर्स के बारे में जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ जो है यहाँ पे उमर भाई मौजूद हैं और इनसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा उमर भाई, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इसके मॉडल के बारे में बताएं और ये कितने सीसी है ये ज़रा थोड़ा सा बताएं। ये अभी जो वेरियंट खड़ा है ये 350 cc है। ये BMW S1000 RR का रेप्लिक है और इसमें 250 cc सिंगल स्टैंडर्ड मिल जाएगा और ये 350 डबल स्टैंडर्ड है। और जो सिंगल स्टैंडर्ड है उसमें दो वेरियंट हैं, एक आपको कार्बोरेटर मिल जाएगा और एक EFI। ये कार्बोरेटर बेस है। ठीक है। अच्छा हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि इसमें इन्होंने इस दफ़ा क्या स्पेसिफ़िक जो है वो जो है फ़ीचर्स मुतारिफ़ कराए हैं। ओरिजिनल बाइक में क्योंकि TFT LCD उसमें दी गई है मीटर की, तो सेम उसी तरह लगाया गया है। और इसमें आपको नाइट मोड लेदर मिल जाता है मीटर में और डे मोड लेदर मिल जाता है। ठीक है। अच्छा उसके अलावा जो है क्या कहते हैं इस बाइक का जो इंजन है उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए ना। ये जोंगशन कंपनी है चाइनीज़, और वो इंजन ही बनवाती है तो जोंगशन का इंजन ही यूज़ हुआ हुआ है, बाकी रेप्लिका ये S1000 BMW RR का है। ये चाइना की है रेप्लिका? चाइनीज़ है। चाइनीज़ ये सारी चाइनीज़ है हमारे पास। ठीक है। तो नाज़रीन अब हमारे जो नाज़रीन हैं इनके आप एक इसका शॉर्ट वो थोड़ा सा रिव्यू करवा दें हमारे नाज़रीन को ताकि उनको पता चल सके। ये ना फर्स्ट टाइम है कि इनके ना मिरर में भी ना इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और ये पैसेंजर साइड से भी आपको ना इंडिकेट करता है कि आप किस तरफ टर्न कर रहे हैं। फ्रंट में जो टायर है वो 110/70 और 117 का मिल जाता है, ड्यूल डिस्क है विद ड्यूल कैलिपर के साथ। फ्रंट में आपको इन्वर्टेड शॉक्स मिल जाएगा एलुमिनियम का। उसके बाद ये वाटर कूल है, इसमें आपको रेडिएटर भी मिल जाता है। उसके बाद आप अगर इसके स्विचेस की तरफ आ जाएंगे तो फ्रंट इस तरफ आपको किल स्विच मिल जाएगा, लाइट्स ऑन ऑफ मिल जाता है और हार्डन की ऑप्शन मिल जाती है। दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको डिपर की ऑप्शन मिल जाएगी। उसके बाद ये हाई लो की मिल जाती है, हज़र्ड लाइट्स मिल जाती है, टर्न लेफ्ट राइट मिल जाता है, हॉर्न इधर है और दूसरी तरफ सेल्फ है। बाकी ये एलुमिनियम का हैंडल बार है, और जो ये शॉक्स हैं ये ना एडजस्टेबल होते हैं, आप सॉफ्ट कर लें हार्ड कर लें। और इसमें ये TFT LCD है, इसमें आपको RPM मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ऑडियो आपको रेटिंग मिल जाती है, न्यूट्रल गियर शॉक रहेगा, हीट की भी आपके पास ऑप्शन है, फ्यूल की है और टाइम भी है। मीटर में ना आपको इसको डबल ऑप्शन मिल जाती है, डे में आपको ये नज़र आएगा इस तरह, जैसी लाइट्स ऑन होती हैं नाइट मोड में ये ब्लैक हो जाता है। इसमें ये होता है कि विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाती है, आपको आँखों के लिए ईजी रहता है, जैसे ही डे में वापस आएंगे ये वाइट मोड में आ जाता है। इसमें ये आपको USB की ऑप्शन मिल जाती है, अगर मोबाइल वगैरह कुछ चीज़ है वो आप इधर चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद ये 350 cc इसका इंजन है, जोंगशन का इंजन है, चाइनीज़ में बेस्ट इंजन है जो जोंगशन है। फिर इसके आप रियर में आ जाएंगे तो आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाती है,
विद सिंगल कैलिपर के साथ, और जो इसके बैक टायर का साइज़ है वो आपको 150, 70 और 17 का रिम मिल जाएगा। और इसकी बैक टेल भी जो इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी खूबसूरत बनाई है। सर, जैसा कि अभी आपने इस रिव्यू के अंदर बताया इस यूएसपी के हवाले से, तो हमारे व्यूवर्स के माइंड में आ रहा होगा कि इस यूएसपी की इसमें क्या ज़रूरत पड़ गई, हालांकि ये गाड़ी वगैरह में उमन पाई जाती है, लोग गाने वगैरह सुनते हैं, तो इस बाइक पे भी कोई गानों वगैरह का सिस्टम चला रहे हैं? नहीं नहीं, गाने के लिए नहीं है। ये होते हैं, आपने मोबाइल स्टैंड पर लगाया होता है ना अक्सर, तो चार्जिंग कम है, तो आप साथ डायरेक्ट ही उसकी चार्जिंग जो उसकी लीड होती है उसको इसमें लगा दें, ये मोबाइल चार्ज करने के लिए। अच्छा सर, क्योंकि हैवी बाइक जो है वो पेट्रोल आम बाइकों से ज़रा ज़्यादा खाती है, ठीक है, तो क्या जब ये चार्ज करेगा तो इसका पेट्रोल पे भी असर पड़ेगा? नहीं नहीं, ये बैटरी के साथ है, इसमें पेट्रोल से थोड़ी करना है, ये जनरेटर थोड़ी है कि जो पेट्रोल ले जाएगा, ये बैटरी के साथ है। अच्छा अच्छा, ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये मीटर के हवाले से भी ज़रा बता दें, जो इसमें एक स्पेसिफिक एक उन्होंने फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है उसके हवाले से। वो इसलिए दिए कि आपको दिन के वक्त विजिबिलिटी इसमें क्लियर होती है, अक्सर होते हैं मीटर में नहीं पता चलता, तो अगर ये वाइट रात में भी रहता है ना, आपको आँखों को ज़्यादा चुभना था और डिस्टर्ब करता है, इसलिए उन्होंने वो नाइट में दे दिया, तो बड़े अच्छी ऑप्शन है, कस्टमर ने उसको लाइक किया है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि इसमें इस वक्त एक तो वेरिएंट जो है वो हमारे सामने मौजूद है, कोई और वेरिएंट भी है इसमें? इसमें 250 सीसी सिंगल स्टैंडर्ड है और 350 सीसी डबल में है। और कलर जो हैं यही है एक या और भी इसमें? इसमें ना 4 कलर्स अवेलेबल हैं, एक ये वाइट है, एक ही हमारे पीछे ही सिल्वर कलर में अवेलेबल है, उसके बाद ये ब्लैक कलर है। और इसमें जो फोर्थ कलर है वो ये मेहरून कलर है। ये आपको सिंगल स्टैंडर्ड में भी 4 कलर अवेलेबल हैं और डबल स्टैंडर्ड में भी अवेलेबल है। हमारे नाज़रीन जो है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसकी कीमत का पता चले, ताकि वो कोई कमेटी शमेटी डाल के जो है ये बाइक को लें। तो सर, इसके जो वेरिएंट्स के हिसाब से इसकी प्राइस को भी ज़रा थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन। इसमें जो 250 सीसी सिंगल स्टैंडर्ड कार्बोरेटर है वो 475 का है, और सिंगल स्टैंडर्ड EFI आपको 495 का मिलेगा, और जो ये 350 सीसी डबल स्टैंडर्ड वाटर कूल है ये 680 है इसकी। ठीक है, अच्छा सर, ये EFI और कार्बोरेटर का थोड़ा सा फ़र्क भी वाजे कर दें नाज़रीन के लिए। कार्बोरेटर थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, अभी तक हमारे इधर यूज़ हो रही है, EFI न्यू टेक्नोलॉजी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, इसमें कंप्यूटर भी होता है, इसकी आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस भी ज़रा अच्छी होती है, और मेंटेनेंस भी कम ही होती है, क्योंकि इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई है कंप्यूटर लगाएंगे वो डिटेक्ट कर लेगी, तो बस उसी चीज़ को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि इसकी माइलेज के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि ये पर लीटर में क्या एवरेज दे रही है। ये पर लीटर में आपको 20 से 22 किलोमीटर देगा 350 डबल स्टैंडर्ड, और जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो आपको 28 से 30 के पास देगा। ये लॉन्ग रूट की आपने एवरेज बताई है या नॉर्मल? अगर आप ये नॉर्मली है, लॉन्ग में आपको 30 दे देगा सिंगल, वैसे 27-26 देगा, ये भी आपको तकरीबन 18 से 20 दे देगा इधर नॉर्मल, लॉन्ग पर आपको 22 तक दे देगा। सर, हमारे नाज़रीन जो हैं उनको कीमत का तो पता चल गया है, उस वाले से भी वो मुतमईन होंगे, लेकिन सबसे अहम जो सवाल अब उनके माइंड में आखिर में आ रहा होगा वो ये होगा कि यार इसका साउंड कैसा है, ताकि जब हम पैसे खर्च करें तो पता चले कि हाँ भी पैसे लगे हैं। साउंड भी ज़रा सुना दें। साउंड मैं आपको इसका सुना देता हूँ। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको S1000RR का जो है रिव्यू कराया, उसके अलावा 360 रिव्यू भी करवाया, सबसे अहम चीज़ हमने आपको उसका साउंड भी सुनाया, और जो उसके अंदर नए दो फीचर्स मुतारिफ़ कराए गए थे जो और किसी बाइक में नहीं है उसके बारे में भी हमने आपको उसके बताया और मुकम्मल तफसील दी कि वो फ़ीचर
कौन से हैं जो और बाइक्स में आपको नहीं मिलने वाले। और उसके साथ साथ नाज़रीन, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान उज़ैर हसन शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।